राष्ट्रवादी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश शुक्ला तथा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सपना पांडे ने शुक्रवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सवर्ण वर्ग आरक्षण के कारण आप पिछड़ा चला जा रहा है, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे सभी वर्ग के लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार समाज में जगह बना सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेता द्वे ने कहा, एक है कि जैसे सवर्ण लोगों का जो है, जितने सवर्ण हैं सारे लोगों का को एकजुट करके एक साथ लेकर के चलना, और आज जो है जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो विकल्प चल रहा है आरक्षण विरोधी, तो यह जो है आरक्षण किसी भी हालत में जो है समाप्त होना चाहिए। जैसे सारे हिंदू समाज को ही लेके चलेंगे तो उस अब सवर्णों के साथ जैसे सवर्णों की अवहेलना हो रही है या हिंदू समाज की अवहेलना, जिस जैसे गरीब है, क्या सवर्ण में गरीब नहीं है? जो भी जिस जात का गरीब हो हिंदू धर्म का, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय हो, मेरा यही एक उद्देश्य है। ये बात इस पार्टी से मतलब नहीं है कि पार्टी से है तभी महिलाओं के लिए हम कार्य करते हैं, जैसा कि पहले आप लोग जानते होंगे महिलाओं के प्राथमिकता कोई भी पार्टी हो, इसे पार्टी से हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये कि महिलाओं का जो कहते हैं हमें कि सामान्य अधिकार जिसे मिला हुआ है, ये अधिकार नहीं मिला अभी भी उन्हें, उनके असामान्य अधिकारों को आज सबसे इस समय करंट में जो मुद्दा हमारे आरक्षण की चल रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि सवर्ण में ही कि गरीब है, गरीब हर कास्ट में लोग हैं, आरक्षण की जो बात हम करते हैं आरक्षण मुक्त सिर्फ जातिवाद जना होकर के आर्थिक रूप से जो आरक्षण मुक्त भारत बनाना है, इसका मेन उद्देश्य इसका ये है, ये नहीं कि हम सवर्ण हैं तभी हमारे में गरीबी है उसे ही आरक्षण में, जी नहीं, आरक्षण कुछ ऐसे भी हमारे अदर कास्ट में भी ऐसे हैं जो कि उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है, और जो कि सबल है होने के बावजूद भी क्या हमारे अदर कास्ट में एससी ओबीसी में क्या वो उनमें गरीब नहीं है, और क्या उसमें क्या सबल लोग नहीं है? उसमें भी सबल हैं, ओबीसी में भी सबल हैं, मगर इसके बावजूद भी उन्हें आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण किसी को इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए तो आर्थिक रूप से मिलना चाहिए।